हे एवरीवन, आज हम सूजी बर्गर की रेसिपी लेके जो 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। इसको खाने के बाद आप बाजार की पिज्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है और बनाना भी आसान है। अब चलिए देर किस बात के, इस नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। एक कप सूजी ले लिया है, बारीक मोटी कोई भी सूजी ले सकते हो। अब बाउल के अंदर ले लेंगे, आधा कप दही मिलाएंगे, आधा कप ही पानी मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, अब 10 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। गैस पे कढ़ाई चला दिया है, गैस ऑन कर दिया है। एक चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गई है, आधे चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा को चटकने देंगे। जीरा चटक गई है, एक बारीक कटी हुई प्याज है वो डालेंगे। मिनट के लिए प्याज को भून लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए। प्याज को भून लिया है, थोड़ी सी अदरक दो हरी मिर्च ले लिया है वो डालेंगे। सेकेंड के लिए भून लेंगे, भून लिया है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ले लिया है वो भी डालेंगे। को भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। भून लिया है, दो बॉयल आलू को ग्रेट करके लिया वो डालेंगे। हम मसाले मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी चाट मसाला, इससे चटपटी बनेंगे। सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छी तरह से दबाते हुए मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, दो मिनट भून लेंगे आलू को। भून लिया है, थोड़ी सी हरा धनिया डालेंगे ऊपर से, मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, स्टफिंग हमारी रेडी है। अब गैस को ऑफ करके इसको ठंडा करके ले लेंगे। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। अब हम सूजी को चेक करेंगे। देखिए सूजी फूल गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। पानी सोख लिया है, आधा कप पानी और डालेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, देंगे एक पैकेट इनो डालेंगे। के पास इनो नहीं है तब बेकिंग सोडा आधी चम्मच डाल दीजिए। ऊपर से एक चम्मच पानी डालेंगे, एक ही डायरेक्शन में हम मिक्स करेंगे। देखिए कैसे झाग हो रही है। मिक्स कर लिया है, देखिए एकदम परफेक्ट है। अब इसको साइड में रख लेंगे। दो कटोरी ले लिया है, एक एक बूंद ऑयल डालेंगे। ऑयल को इस तरह से चारों तरफ लगा लेंगे। अब सूजी का बेटर हम इस कटोरी के अंदर डालेंगे, पानी डालेंगे, आधा आधा करके डालेंगे। अब इस तरह से टैप कर देंगे। अब हम गैस पे चलते हैं। गैस पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। एक स्टैंड रखेंगे इस तरह से, कटोरी के इसके ऊपर रखेंगे। अब इसको कवर करके 10 मिनट पका लेंगे, गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके। 10 मिनट बाद चेक करेंगे, देखिए कैसे फूल गई है। अब चक्कू लगा के हम चेक करेंगे। अभी थोड़ी सी रह गई है, देखिए चिपक रही है। 5 मिनट और कवर करके पका लेंगे, 5 मिनट बाद फिर चेक करेंगे। अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब गैस को ऑफ कर देंगे, इसको बाहर निकाल के ठंडा करके ले लेंगे। बाहर निकाल के ले लिया है, ठंडी भी हो गई है। इसको अच्छी तरह से ठंडा करके ही लेना है। चक्कू से इस तरह से किनारी को छुड़ा लेंगे। अब हम निकाल लेंगे, देखिए बड़ी आराम से निकल गई और कितनी जालीदार बनी है और कितनी सॉफ्ट बनी है। देखिए प्लेट में निकाल लिया है। अब हम 20 में से काट लेंगे इस तरह से, बहुत ही सॉफ्ट है, आराम से करना है। देखिए वाओ, देखिए कितनी जालीदार बनी है और कितनी सॉफ्ट है। जो आलू की स्टफिंग बनाई है वो स्टफिंग भी हमने रेडी कर लिया है। देखिए इस तरह से टिक्की बना के ले लिया है। थोड़ा सा और दबा लेंगे और इसके ऊपर रख लेंगे, फिर दूसरा पीस रख लेंगे। लग रहे हैं ना बिल्कुल बर्गर। अब इन दोनों को भी हम इसी तरह से रेडी करके ले लेंगे। रेडी करके ले लिया है, अब हम गैस पे चलते हैं। गैस पे पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। एक चम्मच ऑयल इस तरह से फैला लेंगे, एक चम्मच ऑयल से इस नाश्ता को बनाएंगे। अब हम नाश्ता को इस तरह से रख लेंगे। अब 2 मिनट के लिए सेक लेंगे गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके। अब हम पलट लेंगे, देखिए कितनी बढ़िया कलर आ गई है। पलट लिया है, अब दूसरी साइड भी सेक लेंगे, फिर से पलट लेंगे। देखिए इधर भी कलर चेंज हो गई है। पलट लिया है, 2 मिनट और अलट पलट के सेक लेंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। 10 मिनट में इस सूजी बर्गर को बना के रेडी कर सकते हो। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। बच्चों को टिफिन में दे सकते हो, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। इसको खाने के बाद पिज्ज़ा बर्गर सब भूल जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी है। नाश्ता हमारी रेडी है, अब हम निकाल लेंगे। देखिए सूजी बर्गर हमारी रेडी है खाने के लिए। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, देखिए
तरह से बनाएंगे तो सब टूट पड़ेंगे खाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपकी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नई हो और इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।